हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 23 जून ये वही दिन है जब देखे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। काफी दिनों से देखे सोनाक्षी और जहीर की शादी से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनाक्षी और जहीर ना तो साथ फेरे लेंगे और ना ही निकाह करेंगे, दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और शाम को ही शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे। वहीं इस बीच ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी से सिन्हा परिवार सबसे ज्यादा नाराज है। इस बीच ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा और भाई लव को सोनाक्षी का मुस्लिम लड़के से शादी करना पसंद नहीं आ रहा। अब मीडिया के गलियारों में देखिए ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि मां पूनम सिन्हा और भाई लव सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया है। अब देखिए ना, 4 दिन बाद सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी है और शादी से 4 दिन पहले आई इस खबर ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि पूनम सिन्हा और लव सिन्हा ने सोनाक्षी को फॉलो नहीं किया हुआ है। जी हाँ, जब परिवार के बाकी सदस्यों को पूनम सिन्हा ने फॉलो किया हुआ है तो वहीं सोनाक्षी ने भी माँ और भाई को फॉलो नहीं किया हुआ है। तो सोनाक्षी माँ के काफी ज्यादा करीब है और उसके बाद भी पूनम सिन्हा ने बेटी को छोड़कर सबको फॉलो किया हुआ है। वहीं वायरल हो रहे पोस्ट में लिखा गया है, हमने देखा है कि पूनम सिन्हा इंस्टाग्राम पर केवल 6 लोगों को फॉलो करती हैं, जिसमें उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा, लव सिन्हा और कुश सिन्हा शामिल हैं। वो अपनी बेटी को फॉलो क्यों नहीं करेंगी? ऐसा लगता है कि लव अपनी बहन को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं करते हैं। दिलचस्प बात ये है कि सोनाक्षी अपनी माँ और लव को भी इंस्टा पर फॉलो नहीं करती है, वो सिर्फ शत्रुघ्न और कुश को फॉलो करती हैं। ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि सोना अपने परिवार में लाड प्यार करने वाली बच्ची रही है। तो इसी पोस्ट पर देखिए एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ऐसा लगता है कि माँ और एक भाई इस शादी से खुश नहीं है। क्या ये वही भाई है जिसने अपनी शादी के बारे में पूछे जाने पर ये कहा था कि इस मामले में मेरी कोई भागीदारी नहीं है? अब आपको बता दूं कि जब से देखिए सोनाक्षी और जहीर की शादी की खबरें मीडिया में सामने आई हैं, उसके बाद से देखिए सोशल मीडिया पर सोनाक्षी को ट्रोल भी किया जा रहा है। लोग बॉलीवुड पर लव जिहाद करने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए बीते कुछ दिनों में इस शादी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा और लव सिन्हा के जो बयान भी सामने आए हैं, उसे देखकर अब ऐसा भी लग रहा है कि सिन्हा परिवार इस शादी से खुश नहीं है। और कुछ दिनों पहले तो बेटी सोनाक्षी की शादी की खबर पर रिएक्ट करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा था, मैं दिल्ली में भी हूँ और चुनाव नतीजों के बाद मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अपनी बेटी के प्लान्स के बारे में किसी से बात नहीं की। तो आपका सवाल ये है कि क्या वो शादी कर रही है? इसका उत्तर ये है कि उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना मैं मीडिया में पढ़ता हूँ। यदि वो मुझे बताती तो मैं और मेरी पत्नी कपल को अपना आशीर्वाद देंगे। हम कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। हमें अपनी बेटी के फैसले पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेंगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी मेरी बेटी की शादी होगी मैं बारात के ठीक सामने नाचना चाहूंगा। मुझसे मेरे करीबी लोग पूछ रहे हैं कि मुझे इस शादी के बारे में जानकारी क्यों नहीं है और मीडिया को इसकी जानकारी है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आजकल के बच्चे सहमति नहीं लेते माँ बाप से, सिर्फ सूचित करते और हम सूचना मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आपको बता दूं कि शत्रुघ्न के अलावा सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव भी शादी की अफवाहों पर रिएक्ट कर चुके हैं। लव ने भी एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में ये कहा था, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बेहतर होगा कि आप सोनाक्षी या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे इस मामले पर कुछ नहीं कहना है। अब देखिए इन बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सिन्हा परिवार में इस शादी को लेकर जो बवाल, काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आपको बता दूं कि सोनाक्षी और जहीर 7 साल से एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे और अब 23 जून को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जहीर इकबाल सलमान खान के खास दोस्त इकबाल रतासी के बेटे हैं, जो कि एक जाने माने ज्वेलर और बिजनेसमैन हैं। सलमान और इकबाल रतासी बचपन के यार भी हैं। जहीर इकबाल सलमान के भी काफी ज्यादा करीब हैं। सोशल मीडिया पर जहीर के बचपन की फोटोज काफी ज्यादा वायरल भी हुई हैं, जिसमें वो सलमान के साथ भी नजर आ रहे हैं। तो सलमान खान ने ही कहते हैं कि जहीर इकबाल को बॉलीवुड में लॉन्च करने में मदद भी की थी। 36 साल के जहीर इकबाल ने 19 में, आपको याद होगा, का फिल्म नोटबुक से डेब्यू किया था और इसके बाद वो 2022 में सोनाक्षी सिन्हा और उमा कुरैशी के साथ डबल एक्सल में भी नजर आए। तो 6 साल के करियर में जहीर ने इन दोनों ही फिल्मों में काम किया जो बाद में फ्लॉप साबित हुई। हालांकि देखिए सोनाक्षी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर वो हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। बताया जा रहा है कि इस शादी में शामिल होने के लिए सबसे पहला न्योता सलमान खान को दिया गया है। महासिन्हा परिवार
वाकई में सोनाक्षी और जहीर की शादी से नाराज है या नहीं, इसकी तो देखिए पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा कि शादी में परिवार समेत अब कौन कौन से सदस्य परिवार के अब नजर आते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा जरूर।